नमस्कार, वेबदाता में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं याकूब मेमन की फांसी पर। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, याकूब की फांसी पर इस पूरे मामले में मीडिया की भूमिका पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मीडिया को अतिरंजना से बचना चाहिए। लगातार ये बात कही जा रही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि इसका हल कैसे निकाला जाए। क्योंकि ये बात ठीक है कि जब देश में एक अलग तरह की न्याय प्रक्रिया चली, जब देश में ये कोशिश हुई कि चाहे वो हत्यारा हो, चाहे वो आतंकवादी करार दे दिया गया हो देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा, चाहे राष्ट्रपति तक ने उसकी दूसरी दया याचिका भी खारिज कर दी हो, उसके बावजूद जब रात में आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, आपने कहा कि किसी बेगुनाह को फांसी पर लटकाया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको तरजीह दी, तवज्जो दी। रात को 2 बजे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट को रात को 2 बजे खोला गया। न्यायाधीशों ने अब तक अपने अपने घर से फैसले दिए हैं रात को, लेकिन जब रात को आपने 2 बजे अदालत खोली, तो आपने देश को और दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि चाहे उसको आतंकवादी ही क्यों ना करार दे दिया गया हो, फिर भी हम उसकी आखिरी सुनवाई करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी गलत फहमी में या किसी गलती की वजह से कोई निरीह व्यक्ति, कोई निर्दोष व्यक्ति फांसी के तख्ते पर लटक जाए। जिस देश की अदालतें किसी को लेकर इतनी चिंतित है, मुझे लगता है कि उस देश की कानून व्यवस्था को लेकर, उस देश में भेदभाव को लेकर अगर हम फिर भी बहस चलाते हैं, उसको मजहबी और राजनीतिक रंग देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। देखने भी आया कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग सांप्रदायिक जहर ही फैलाया उन्होंने। मुझे लगता है कुछ लोगों की राजनीति इस देश में जो है ना, वो केवल मजहब के आधार पर चलती है, और अगर वो उस तरह की हरकतें करना बंद कर देंगे तो उनका लगता है कि वोट बैंक खिसक जाएगा। पर धीरे धीरे हमें इस देश को उस जागरूकता की स्थिति में ले जाना पड़ेगा जहां इस तरह के लोग मजहब के आधार पर लोगों को भेड़ों की तरह नहीं हांक सके। क्या लोगों में खुद में समझ नहीं है, क्या उनमें बुद्धि नहीं है कि एक व्यक्ति ने आपके देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? देश का मतलब है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई सिख ईसाई नहीं है, कोई पारसी नहीं है, देश देश है, और देश के लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति के खिलाफ देश का कानून काम करेगा। उसमें हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? जब हम बार-बार नारों में कहते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता, तो बार-बार ये हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद और मुस्लिम आतंकवाद और हरे आतंकवाद की बात क्यों आती है? ये हो सकता है कि कुछ समुदाय के लोग किसी तरह के आतंकवाद में शामिल, पर अगर वो आतंकवादी हैं, उन्होंने इस देश की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश की है, तो उनको सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि ओवैसी जैसे लोगों की जो पूरी राजनीति है, वो इस तरह के मुद्दों को, इस तरह के जुमलों को हवा में उछालकर उसके पीछे लोगों की भावनाओं को भड़का, क्योंकि लोग भावुक होते हैं। लोग अपने जब धर्म की व्यक्तिगत आस्थाओं की बात आती है, तो कुछ ज्यादा ही खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और इसके पीछे हमारा इतिहास है पूरा, हमारा हजारों लाखों सालों का जो मानव जाति का इतिहास है, वो जातियों, कबीलों, समुदायों और धर्मों की लड़ाई में से भरा पड़ा है। हमने देखा है कि जातियों, कबीलों और समुदायों की लड़ाई धर्म का रंग इस सदी में कुछ ज्यादा ही गहरा ले चुकी है। तो अचानक वो अंदर से हमारे जीन्स कुछ हरकत करते हैं, जिससे हमें लगता है कि हमारा पूरा समुदाय जो है वो खतरे में, हमारे समुदाय के खिलाफ कोई सोची समझी साजिश की जा रही है। जब भी आपसे कहा जाएगा, तो अचानक आपके अंदर से वो सारी भावनाएं जाग उठेंगी, आप सतर्क हो जाएंगे अपने समुदाय को, अपने कबूले को, अपने धर्म को बचाने को लेकर, चाहे वो खतरा सच का हो या झूठ का हो, या उस खतरे को वैसा बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया गया हो। मुझे लगता है हमारे इस मनुष्य के अंदर के भीतर का जो ये गुण है, उसको कुछ ज्यादा ही शोषण किया गया, उस गुण के आधार पर भावनाओं का दमन किया गया, भावनाओं को भड़काया गया है, और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम इससे परे जाएं। हमारे अंदर सदियों से भले ही धर्म, मजहब और जाति को लेकर कुछ भावनाएं भरी हुई हों, लेकिन हमारी आधुनिक शिक्षा के आधार पर, सोच के आधार पर, विचार के आधार पर, हमें अपने इस मुलम्मे को उतारना होगा। हमें समझना होगा कि कोई व्यक्ति हमें इस समुदाय के नाम पर इकट्ठा करके बरगलाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हम मनुष्य हैं, इस राष्ट्र के निवासी हैं, हम हिंदू मुस्लिम से परे जाकर इस राष्ट्र को बेहतर बनाना चाहते हैं, और कोई यदि हमें इस तरह से बरगलाने की कोशिश करेगा, तो हम उसके बहकावे में नहीं आएंगे। जयदीप जी, क्या मृत्युदंड पर रोक लगा देना चाहिए? ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है, और मुझे लगता है कि सवाल ये होना चाहिए कि किस तरह से अपराध और अपराधी दोनों को ही सजा मिले, अपराधी को भी सजा मिले और अपराध रुकें। उद्देश्य ये है, अगर वो मृत्युदंड से रुकता है तो वैसा करना जरूरी है, अगर वो मृत्युदंड नहीं केवल उम्र कैद की सजा से रुकता है तो वैसा। ये समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति अपराधी क्यों बनता है, किस तरह की सामाजिक परिस्थितियों में वो अपराधी बनता है, और जब वो अपराधी बन जाता है और अगर आप तमाम तर्कों के आधार पर उसको छोड़ देने को तैयार हो जाते हैं, तो क्या वो अपराधी अपराध करना छोड़ देगा, क्या वो सुधर जाएगा? हमने ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि वो
जेल से बाहर आने के बाद या सजा काट लेने के बाद फिर से वही हरकत करता है जिसमें वो पहले लगा हुआ था। बहुत कम प्रतिशत ऐसे लोगों का है जो अच्छाई की राह पर, नेकी की राह पर वापिस आ जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई सजा पूरा मनुष्य समाज मिलकर भी तय नहीं कर पाया है कि जिसकी वजह से अपराध जो दिमाग में जन्म लेता है उस अपराध को रोकें। अभी भी हम देखें कि सऊदी अरब में और सिंगापुर में और बहुत सारे दूसरे अन्य मुल्कों में अलग अलग तरह की सजा और यातनाएं अभी भी हैं जो हमारे देश में कम से कम नहीं है। वहां पर चौराहे पर कोड़े लगाने की सजा दी जाती है, भेंट मारने की सजा दी जाती है, नाखून उखाड़ लेने की सजा दी जाती है, जो कि हम बरबर मानते हैं वो पुराने जमाने में इस तरह की यातनाएं देकर सजा दी जाती। सजा का उद्देश्य दरअसल क्या है? मृत्युदंड से ज्यादा हमें सजा के उद्देश्य पर बहस करनी चाहिए। सजा का उद्देश्य यह है कि जो दूसरा व्यक्ति इस तरह का अपराध करने की सोच रहा है उसको सबक मिले कि वो ऐसा नहीं करे। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है उसके परिवार को, समाज को ये पता लगे कि भाई इसने गलत किया था, इसको हमने सजा दे दी। तीसरा, जिसके खिलाफ अन्याय हुआ है, जिसको लेकर अपराध हुआ है, उस व्यक्ति को यदि वो जिंदा है तो उसको पता लगे कि उसके लिए न्याय हुआ है, और दूसरा अगर वो जिंदा नहीं भी है तो उसके परिवार वालों को और समाज के लोगों को ये पता लगे कि भाई व्यक्ति वो भले ही मर गया, धमाके में लोग मर गए, लोगों के टुकड़े हो गए, उनका शरीर तक नहीं मिला। याकूब मेमन का शरीर सौंपा गया उसके परिवार वालों को विधि सम्मत तरीके से। उस धमाके में जो लोग मारे गए उनके चिथड़े उड़ गए, उनके शरीर के टुकड़े नहीं मिल पाए, और आप इस तरीके से बहस चला रहे हैं हिंदुस्तान में, वो बहुत शर्मनाक है। सजा उसके प्रावधान पर, मृत्युदंड पर बहस होनी चाहिए, लेकिन एक आतंकवादी को दिए गए मृत्युदंड पर इस वक्त इसलिए बहस जरूरी नहीं थी क्योंकि वो 20 साल तक लगातार बहस के बाद, और मृत्युदंड का प्रावधान हिंदुस्तान में है, उसे खत्म नहीं किया गया। अगर उसको खत्म कर दिया गया तो फिर तो सवाल ही नहीं, आप किसी को नहीं लटकाएंगे फांसी पर। मेरे लिए अभी अहमियत याकूब मेमन को फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने की नहीं है, अहमियत इस बात की है कि क्या इस तरह के सजा के बाद भी हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि देश में कोई आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। नहीं हो सकते, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी जहर के बीज बोए जा रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंकवाद को भड़काया जा रहा है, उन्माद है, देश की सीमाएं जो हैं वो महफूज नहीं है। गुरदासपुर इसलिए हुआ क्योंकि वो बॉर्डर के पास लगा हुआ था, दूसरे देश जो हैं वो हिंदुस्तान की सरहदों पर गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं, वो जामा उसको जो है मजहब का पहनाते हैं लेकिन उनके उद्देश्य कुछ और हैं, वो हमारी सीमा में घुसपैठ करके, देश की सीमा में घुसपैठ करके हमारी संपत्ति को, जमीन को हड़पना चाहते हैं। अब हम इन सारी साजिशों का मिलकर कैसे मुकाबला करें, कहां तो इस पे बहस होनी चाहिए और कहां हम मृत्युदंड पर और दूसरी चीजों पे बहस करते हैं। सजा अगर अपराध रोकने में कामयाब होती है तो सजा का प्रावधान रखना होगा, अगर सजा कारगर नहीं हो पा रही है तो हमें देखना होगा कि कैसे हम अपराधों को कम कर पाएंगे। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे याकूब मेमन की फांसी की, अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।